का ये हो सकता है गाना मुझे लग रहा है बीच में ये इंटरवल के टाइम की सीन है जहां पे उसको रियलाइज हो रहा है मतलब इंटरवल के 10 मिनट और इंटरवल के 10 मिनट भाई एग्जैक्टली थोड़ा मेरा बीच में ही आएगा ये सुनने का कहने का मतलब कि भाई आधे घंटे का टाइम होता है उसको लेके बीच में उसके बीच में कहीं आ जहां से उसको रियलाइजेशन होता है कि यार मुझे इससे प्यार हो रहा है हां आंखों में दिख रहा था वो भाई जो लिरिक्स गाने के लिरिक्स बता रही है कि वो क्या फील कर रहा है लड़की के लिए यार मतलब आंखों में दिख रही है या फिर एक क्लाइमेक्स के पहले का भी सीन हो सकता है जब अब उसको कुछ करना है जो उसके लोगों ने जिसने उनको हायर किया है उनके हिसाब से लेकिन उसको रियलाइज होता है कि वो नहीं कर सकता या फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस टाइप से लग रहा है बहुत सारी चीजें क्या बोलना और ऊपर से जो शॉट्स लिए गए थे शॉट्स और बड़े भाई गजब यार एक्चुअली अलग ही लग रही थी मैंने इसको पहले भी एक दो टीवी शो में देखा था लेकिन इस सॉन्ग में अलग ही मतलब एक्चुअली उसका जो ड्रेसअप था ना एकदम परफेक्ट क्वीन की तरह आ रहा था वो प्रिंसेस की तरह सॉरी जब कोई देसी गाता है तो थोड़ा अलग से टच है इसीलिए इतनी बड़ी सिंगर है इतनी प्रैक्टिस की होगी इसके लिए और भाई मजा आ गया मतलब जो शॉट्स तो वैसे वो पुराने वाले लोकेशन के थे जहाँ पे वो पुराने वाला सॉन्ग था लेकिन इस बार उसको थोड़ा डिटेल में पहले क्या था कि बस वो सीन भाई दूर से जो दिखाते थे दूर से उन्होंने दिखाया था और वो पेड़ों के बीच में उठाया इस बार दूर से दिखाया ये इवनिंग के आगे फिर नीचे लेकर के ये शाम के बाद का था कौन बाहर चल रही थी और और ये पहले शुरुआत जो धुन मस्ती है गिटार वाली वो होती भी एकदम उसी मूड की है कि भाई कुछ सोच रहा है बस भाई हम लोग कैंप पे बैठे हैं सब लोग ग्रुप है पूरा तो ये जो सीन है ना भाई तुम बहुत मूवी देखो कि बोन वायर चल रही है तो बोन गिटार किसी का किसी की चलती है किसी का चल रही है और उसके लिए गिटार होना उस टाइम से ऐसे ही मूवी का हमेशा हर बार एक ही सीन होता है एक राजू चाचा और भाई आज कॉलेज में मेरे चल रहा था कुछ ऐसा स्टोरी टेलिंग कर रही थी उसमें बॉन्ड आया था तो उसी कुछ या फिर एक ब्लॉक टाइप हो जाएगा वो ये चीज गा रही है और उसके मन में और कितने ये प्रोजेक्ट उसके चेहरे पे देखी मतलब अली से तो वो स्टार्टिंग में बैठे थे तो वो आंख बंद करके ऐसा रो देगा होता है आंखों से आंसू जैसा कुछ ऐसा लगेगा रो देगा बंदे ने पूरा 100% दिया अपने इस फीलिंग्स पे वो एक्टिंग गजब की थी वो पार्ट एक्टिंग का मतलब वो क्वालिटी दिखा रहे थे कि ये अली जफर है अली जफर है भाई यही चीजें तो डिफर करती हैं एक अच्छे एक्टर और खराब एक्टर आप तब तक रोमांस भी नहीं कहलाओगे तब तक आप शाहरुख खान से कंपेयर नहीं कर सकते जब तक आप आंखों से एक्टिंग करना जानते कुछ नहीं बोला कुछ नहीं सब कुछ उसने जो एक लुक दे दिया उसी में सब समझ गए कि उसने क्या क्या सोच रहा क्या सोच रहा होगा यार और मतलब और जो बाकी दो बैठे थे वो फरहान को फैजल कुरैशी सॉरी मतलब उनका भी वो था उन्होंने कुछ कहा नहीं मतलब शांत बैठे थे और सब कुछ मूवमेंट्स देख रहे थे मतलब ऐसा नहीं होता कि बीच में कुछ बातें चल रही होती हैं उसके लिए कि और भी लोग हैं यहां पे इसलिए तो नहीं अब अकेले थोड़ा ना आएंगे हां चार लोग का पॉइंट को ज्यादा फोकस तो नहीं किया फोकस वो अली जफर पे था अली जफर पे क्योंकि मेन कैरेक्टर ने ये फील कर रहा था कि वो क्या फील कर रहा अली जफर की फीलिंग में देख रहा फोकस कर रहा बस केवल उन दोनों पे मेन फोकस और अगर ये शॉट मेरे ख्याल से अगर जैसे ग्राउंड पे लेते हैं ना और मतलब एक कोई सेटअप बना के जैसे तो मजा नहीं उतना मजा नहीं वैसे तो यानी वैसे ही है मजा आ गया
वैसे ऐसा सीन मैंने शाहरुख खान की एक मूवी में देखा। कौन सी मूवी? अच्छा तुम उसकी बोल रहे हो क्या? दिलवाले। हां ये मूवीज उसकी फेमस है, मैंने देखी दिलवाले। मैंने देखी मुझे बस मैंने केवल एक गाना सुना उसका, एक गाना उसी में गेरो गाने थे वो गेरो। लेकिन थीम दोनों की बहुत अलग थी इस मामले में, कंपेयर नहीं कर सकते तुम। उसमें दोनों लोगों का था कुछ, तुम्हारे दिमाग में चल रहा जो तुम कहना चाहोगे। ना ना हम जा रहे हैं, जानते तुम कहाँ पहुँच रहे हो। भाई समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा था। तो बस हम लोग का रिएक्शन नहीं तक था और कुछ था नहीं बोलने के लिए। नहीं, नहीं। तो डिस्कस कर ही लिया, मूवी प्लॉट भी पहुँच गया एकदम बिना देखे ही। तुक्के बजाए पड़े हैं। Thank you. Bye.